अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा मौजू है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज हम सवालात करेंगे। सवाल नंबर एक, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थे? इसका जवाब, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी नेक खातून थे। आप पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। सवाल नंबर दो, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटों के नाम क्या थे? जवाब, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। सवाल नंबर तीन, फाके के दौरान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कई बार क्या वाक़ा पेश आया? जवाब, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होना तो वो फाके कर लेते, जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते। कई बार ऐसा हुआ कि वो और इनके बच्चे फाके से हैं, खाना खाने का कुछ सामान महंगा हुआ, लेकिन इस वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल किया। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना इस गरीब के हवाले कर दिया और खुद इनके यहाँ फाका ही रहा। सवाल नंबर चार, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की औरतों को क्या तालीम देती थे? जवाब, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थी। उनके आसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोल लिया था और सब उनकी इज्जत करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक्त उनसे मदद मांगते और सलाह लेने के लिए आती थे। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला उन्हें कभी मायूस ना करती थे।